टू माय चैनल आसान जिंदगी। तो दोस्तों आज हम हरदोई रोड पे आ गए हैं सिद्धपीठ बाबा कल्याणगिरी मंदिर, जो कि शिव जी का प्राचीन मंदिर है। और आइए मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ किन किन देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं और पुजारी जी से मिलने की कोशिश करें कि अगर पुजारी जी मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या इसकी महिमा है। आइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंदिर के अंदर आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास, हम सेवादार जी के पास बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं यह मंदिर जो है कितना पुराना है और इसका क्या प्राचीन इतिहास है, हमें विस्तार से बताएं महाराज जी। ये बाबा कल्याणगिरी की समाधि है, इन्हीं के नाम से ये मंदिर है। इन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी तो मुगलों के समय पर ये जो शिवलिंग है इसको ले हाथ में लेके तपस्या कर रहे थे। तो ये जो राजा था जिस यहाँ पे मुगलों का, उसने उसके वजीर ने आके यहाँ पे इनसे छीना झपटी करी, इनसे शिवलिंग छीन के ले गया। रात्रि के समय पर वही शिवलिंग उसकी वजीर की छाती पर फूटा था। उसने कहा कि ये मेरे को परेशान करता है। तो जब बादशाह ने कहा तुमने किसी फकीर को परेशान किया होगा, तब उसने कहा कि मैंने इस तरीके से साधु को परेशान किया है, उसी से मैं शिवलिंग ही आया हूँ। तब उस राजा ने यहाँ जमीन छुड़वाई और उसी से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इन्होंने जीवित समाधि ली, बाबा कल्याणगिरी ने जीवित समाधि ली। और ये जितना भी विस्तार हुआ है ये हमारे गुरु श्री राय थानपति रामानंद जी के द्वारा हुआ गया। बाद बाकी पहले यहाँ कोई ऐसा भी विस्तार नहीं। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।